मामला हरदोई जिले के कस्बा शाहबाद के ग्राम अब्दुल्लापुर का है, जहां कई वर्षों से कनेक्शन न होने के बावजूद भी ग्रामीणों के 28,000 का बिल आ गया। बिल देखकर ग्रामीण परेशान हो गए और आनन फानन में मुख्यालय जाकर पूरे मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की गई। ग्राम अब्दुल्लापुर में भारत सरकार की योजना के तहत वर्ष 2009 में पूरे गांव में विद्युतीकरण कराया गया था, जिसमें गांव में बिजली के पोल लगाए गए थे। उसी समय बीपीएल कार्ड के माध्यम से अपने अपने विद्युत कनेक्शन करवाए गए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ष 2009 से अब तक गांव में बिजली नहीं आई। इसकी शिकायत कई बार विद्युत अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इधर इन सभी विद्युत कनेक्शन धारकों के 28,000 रुपए के बिल आ गए, जिसे देखकर यह ग्रामीण दंग रह गए। इन लोगों का कहना है कि जब गांव में बिजली अभी तक नहीं आ पाई है तो फिर यह बिल कैसे आ गए। आनन फानन में ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से मिलकर की और त्वरित कार्रवाई किए जाने की मांग की। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता विद्युत को जांच कर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। पूरी घटना जानकारी मिलते ही एसडीओ रणधीर कुमार ने पूरे मामले की जानकारी ली, जिसमें उन्होंने जल्दी गांव में लाइट की सप्लाई दिए जाने व बिल को माफ किए जाने की बात कही। मामला है सन 2009 में भारत सरकार की किसी योजना के अंतर्गत हमारे गाँव में विद्युतीकरण हुआ था। उस समय से ट्रांसफार्मर वगैरह मीटर सब लगे थे, बीपीएल कनेक्शन हम लोगों ने लिए थे, लेकिन तब से अब तक लाइट नहीं आई है। और हम लोगों ने जब जाकर शाहबाद में अपने कनेक्शन की जानकारी ली तो तकरीबन 28,000 किसी में 29,000 रुपये बिल आ गया, लेकिन लाइट एक भी दिन नहीं आई है गांव में। तो यही प्रकरण है पूरा। अरे गांव में भैया बत्ती नहीं आई और खम्बा गड़ी गए और लाइट एक दिन ना आई। हम गरीब आदमी, हम दाम कहाँ से दे पे, हम पर 28,000-29,000 रुपया हम पर बिलवाई हो। अब एक दिन जैसे हमारे गांव बत्ती ना आई, अब तार खींचे। अब्दुल्ला नगर, जहां पर कई वर्षों से बिजली ना होने के बावजूद भी लोगों का बिल जो है 28,000-28,000 रुपए आया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा था, ये मेरे संज्ञान में आया था करीब 2008 तरफ एक आंधी आई थी, तो उसी समय लाइन बनी थी, तो आंधी आने से तुरंत जो है लाइन टूट गई और उसी समय जो कंपनी किसी कंपनी द्वारा कनेक्शन दिए गए होंगे, क्योंकि पहले ऑफलाइन सिस्टम था तो बिल चालू नहीं हो पाए। अब ये सिस्टम ऑनलाइन हो गया तो बिल जनरेट हो गए और इस समय आ रहे हैं, जिसके विषय में हमारे जेई द्वारा अभी मैं जांच करा रहा हूँ, तो उसमें जो भी उनकी रिपोर्ट के आधार पर लाइन नहीं है तो वो बिल जो है माफ़ कर दिया जाएगा। और इसके लिए नई लाइन के लिए प्रपोजल हमने दिया है दोबारा रिकंडक्टिंग के लिए, वो जल्दी से करा के बिजली आपूर्ति दी जाएगी और वहीं से उनका बिल चालू हो जाएगा।